लेकिन रानी हो कुछ तो बिचारो एक बार। ओहो क्या बात हो रानी, क्या कर दिया है मेरे राम ने। ओ कुछ तो बिचारो एक बार, कुछ तो बिचारो एक बार, ने क्या कर दिया है मेरे राम ने, कुछ तो बिचारो एक बार। मांग रही हो ना, इतने दिनों तक ऐसे दुखों को रानी सह ना सकूंगी, इतने दिनों तक ऐसे दुखों को रानी सह ना सकूंगी, सम्राट। ये लाल हो पन में महलों में रानी रह ना सकू, लाल हो पन में महलों में रानी रह ना सकू, लाल हो पन में महलों में रानी रह ना सकू। प्यारे चारों लाल, तुम चारों में जिसे चाहो उसे राज दे दो। ए रानी तुम्हें राज की ही भूख है ना, ये राज खजाना महल अतारे, पन मत देना मेरे लालन को, पन मत देना मेरे लालन को, पन मत देना मेरे लालन को। हैरानी मेरी बहुत बदनामी होगी मेरे लालन बन गए जोगी, मेरी बहुत बदनामी होगी मेरी बहुत बदनामी होगी मेरे लालन बन गए जोगी। और जिसने तेरे ये कान भरे हैं रानी, ओ पास बुलाओ उसे चालन को, पास बुलाओ उसे चालन को। क्या बात है, बन मत देना मेरे लालन को, बन मत देना मेरे लालन को, बन मत देना मेरे लालन को, बन मत देना मेरे लालन को। आज रानी कह गई महाराज दशरथ से, कह दी कि राजन इस परिवार में तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने वचन के लिए प्राणों की आहुति दे दी है। सिबी ददीच हरी चंद कहानी कहूं एक ते एक बखानी। तो महाराज दशरथ भी कहते हैं कि रानी क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को वनवास देते हैं और भोर होते ही भगवान राम तपस्वियों के भेष में महाराज दशरथ से बन जाने की आज्ञा मांगने आते हैं। ओहो
रास्ते में माता कौशल्या मिल जाती है। क्या माता कौशल्या से प्रभु राम कहते हैं कि माँ मुझे वन का लेस मात्र भी कोई दुख नहीं है, तकलीफ है तो इस बात की कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा ना कर सका। माता कौशल्या से प्रभु राम कहते हैं क्या क्या किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना, वो आते जाते खैर खबर सब लोगों की भिजवा। वो बदला हमने भेज, ओहो आज माँ हाँ ये बदला हमने भेस हम सन्यासी हो गए, ओहो छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। वो हम तो चले वनवास हम वनवासी हो गए, वो छूटा अपना देश हम सुरेश भैया आपकी ओर से 11 रुपए की राशि, कुंवर सिंह जी मालक जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, 24-1 अगले वर्ष से हर मंडल को 501 रुपए की राशि हर मंडल को दी जाएगी। सीरदा मंडल को 101 रुपए की राशि प्रधान भैया जी नाम लेने में कुछ गलती हो जाए भैया क्षमा चाहते हैं। क्या बात है मैया हम किस्मत के मारो तो भूल न जाना, भूल न जाना मैया किस्मत के मारो तो भूल न जाना, भूल न जाना वनवास चले जाते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं क्या बुझने लगी है ये टोपी जोती, बुझने
अरे कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है, कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है, कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है। और आज ये मेरे मन में रहे गैया, चला है बनवा, ओ मेरा लाल चला है बनवा, मेरा लाल चला है बनवा। बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी पुकारा वो नाम जा रहा है, कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है, कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है, कोई तो रोको मेरा राम जा रहा है। महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता के वो श्राप याद आ जाते हैं कि आज पुत्र वियोग में शायद मेरे प्राण जाएंगे, तो मारा तो सब कहते हैं क्या क्या हो हो। तो लौट के आ ओ, अब लौट के आओ रघुवीर, नगर में बड़ी उदासी है क्या। महाराज दशरथ कहते हैं बाबा तुलसीदास ने लिखा है, लागहु नगर भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। क्या क्या हो, अब लौट के आओ रघुवीर, नगर में बड़ी उदासी है, लौट के आओ रघुवीर, नगर में बड़ी उदासी है, अब लौट के आओ रघुवीर, नगर में बड़ी उदासी है। कहते हैं हाँ, ये राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लखन बिना ठकुराई, राम
सोई कौन करे चतुराई। अब मुझको बता दो धी, अब मुझको बता दो धी, क्या करूं मैं बड़ी उदासी। लौट के आओ रघुवीर, क्या करूं मैं बड़ी उदासी। एक फरमाइश शुरू से ही आ गई थी।